फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो आज हम जा रहे हैं गुजरांवाला और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गुजरांवाला जाने का व्लॉग। तो मैं और साथ में हमारी फैमिली जा रही है कंप्लीट जो है वो गुजरांवाला, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ पर टिकटॉकर्स का आना जो है वो बैन कर दिया गया था। क्यों किया गया था, उसकी क्या वजह थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये खूबसूरत सा सफ़र जो है वो शुरू हो गया है, और हम जो है सुबह ज़रा टाइम से ही निकले थे, तो नाश्ता जो है प्रॉपरली नहीं किया था, इसीलिए बेकरी से कुछ आइटम्स जो है वो भाई ने परचेज़ कर ली, और वो हम खाते खाते जो है वो जा रहे हैं। और बहुत ही इंजॉय, मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है फैमिली के साथ जो है वो कहीं पर जाना। मुझे बहुत 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 जो है इस चीज़ का मज़ा आता है, क्योंकि हम बचपन से ही जब हम जो है छुट्टियों में अपने मामू लोगों के साथ और खाला लोग सारी मतलब जो फैमिली है, हम जाते थे लाहौर और कभी इस्लामाबाद और कभी मतलब ये जो ज़ू वगैरह है इन सारी जगहों पे घूमने फिरने के लिए जाते थे। बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है फैमिली के साथ जब भी आप कहीं पर जाते हैं। तो ये हम एंटर हो गए हैं जनाब अपनी कॉलोनी में जहाँ पर हमने पहुँचना था, और इधर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, और एक दो जगह जो है वो देखनी थी भाई ने परचेज़ करने के लिए वो देखेंगे, और उसके बाद जो है हम वापस चले जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही जो है वो सैड न्यूज़। अल्लाह पाक ने हमें बेबी से नवाजा है, फिर भी जो मेरे हस्बैंड जो हैं वो दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं, मैं इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में आ जाती हूँ। बेबी के होने के बाद रूटीन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत ही ज़्यादा रूटीन जो है वो चेंज हो गई है, और टफ़ रूटीन कह लें कि हो गई है, क्योंकि एकदम से जो नया चेंज है उसको एक्सेप्ट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से होता है कि आपको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस बेबी के साथ जो है मेरी रूटीन अभी सी प्रॉपरली सेट नहीं हो रही, और मैं व्लॉगिंग भी जिस तरह से करना चाह रही हूँ मैं उस तरह से नहीं कर पा रही। मतलब मैं बहुत ही कम आपके साथ जो है वो आप देख रहे होंगे कि डेली का व्लॉग नहीं आता, कभी दो दिन के बाद, कभी एक दिन के बाद, कभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद जो है वो मेरा व्लॉग आता है। वो इसी वजह से क्योंकि रूटीन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है बेबी के साथ, तो प्रायोरिटीज़ गिवन टू बेबी, जो प्रायोरिटी है मेरी वो बेशक जो है वो बेबी को ही होनी चाहिए और बेबी को ही है, और उसके बाद जो मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ बहुत मुश्किल से, और फिर उसको जो है वो मैं अपलोड करती हूँ जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले करना होता है एडिट, उसके बाद उसे करना होता है मतलब काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में। इसके बाद जनाब इन सारी रूटीन्स के बाद हस्बैंड का नाराज़ हो जाना और मेरे से खफा हो जाना जो है वो मुझे जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि हस्बैंड्स को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए भाई। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो मुझे टाइम नहीं दे रही, तो वो बाहर होते हैं, तो इस चीज़ को मैं समझती हूँ। उनकी रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, और इसके साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मतलब उधर भी रूटीन उनकी काफ़ी टफ़ होती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हैं, और वो टाइम अगर ये देखें जी बीबी लोना चुलू हो गया मिले बीबी चोना छा लाजियाँ करनी मामा लाजियाँ करनी है, वीडियो पा ली हूँ बेबी वीडियो पा ली हूँ, एडिट कर ली थी मामा वाली शो कर रही थी, ये देखो आप बाइक राइडिंग कर रही थी। उसके बाद जनाब हमने जो जगह देखनी थी हम उधर गए, और उसके बाद जी ये मैं जो मेन चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इसका जो ये जो जिस कॉलोनी में हम आए हैं इसका जो आउटसाइड का व्यू है वो आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू होने की वजह से लोगों ने जो है जो टिकटॉकर्स हैं वो इस तरफ बहुत ही ज़्यादा विज़िट कर रहे थे इस कॉलोनी का। अच्छा, इसके साथ बैक साइड पर इस कॉलोनी के इसी तरह से बहुत ज़्यादा खेत हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी जो है वो हिस्सा बनाते जा रहे हैं इस कॉलोनी का ना। तो इस तरह से ये क्या कहने वाली थी मैं, हाँ जी मैं बताने वाली थी आपको कि टिकटॉकर्स ने इसको इस तरफ आना क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे थे, बहुत 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 ज़्यादा लोग जो है वो इस कॉलोनी की तरफ आ रहे थे, और रश जो है वो हर वक्त इस कॉलोनी के बाहर लगा रहता था, जिसकी वजह से कॉलोनी वाले को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जो अभी जो है मैं इसका जो बाहर का व्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप देखिएगा बहुत 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 अमेजिंग व्यू है, इसकी जो एंट्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टिकटॉकर जो हैं वो
इस तरफ आ रहे थे और कलोनी वालों को इससे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है मसला जो है वो फेस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो इस तरफ आना टिकटॉकर्स का बैन कर दिया। तो जनाब मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी वो इसकी एंट्रेंस। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप देखिए इसकी एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।